क्या वो बेडरॉक है? एक मिनट, क्या ये बेडरॉक है? डायमंड्स? ओह माय गॉड, वेट, ये है माइनक्राफ्ट, बट इस वर्ल्ड में रैंडम ओपी स्ट्रक्चर्स और रैंडम ओपी एन्चेंटमेंट्स है। फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी 1000। ओ भाई, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये। सवाल ये है कि क्या हम इतने ओपी आइटम्स के साथ माइनक्राफ्ट को कंप्लीट कर पाएंगे? तुम्हें क्या लगता है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। और एक सच्ची बात बताऊं यार, मैं तुमको बहुत सारे चार्ट्स दिखा सकता हूं, बट मुझे भी पता है कि ये चैनल बहुत नया है, तो तुम प्रोबेबली सब्सक्राइब नहीं होगे। तो अगर इस वीडियो के किसी भी पार्ट में तुम थोड़े से भी एंटरटेन होते हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। इट्स टोटली फ्री एंड तुम्हारा जब मन करे तुम अपना माइंड चेंज कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमको 20 लाइक्स मिले थे, तो इस वीडियो में 10 लाइक्स का गोल रखते हैं। चैनल के हिसाब से बहुत ज्यादा है, बट आई एम श्योर कि हम कर लेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर बकवास वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपने को वुड चाहिए होगा, और वुड के लिए अपन पेड़ की तरफ जाएंगे और वुड कलेक्ट कर लेंगे जल्दी से, ताकि हम थोड़े से अपने बेसिक टूल्स बना सके। और बेसिक टूल्स बनाने के बाद हम सीधा बनाने जाएंगे ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस क्यों बनाना है अपने को? क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस से ही हमारे एन्चेंटमेंट कम्प्लीट हो पाएंगे जो तुमने अभी देखा। ये बना लिया हमने हमारा पिकैक्स, और अभी के लिए सिर्फ पिकैक्स बनाएंगे और जल्दी से चलते हैं अपन माइनिंग करने के लिए। हमको कोल भी पड़ेगा, क्योंकि कोल से ही तो अपन एन्चेंटमेंट को स्मेल्ट करेंगे। तो फिर अपन जल्दी से कोबलस्टोन इकट्ठा कर लेते हैं, जल्दी से अपना कोबलस्टोन का टूल्स बना लेते हैं, क्योंकि ये टूल्स बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा ओपी होने वाले। और बड़ा ही अजीब सा बायोम मिला है मेरे को, यहाँ पे बहुत सारे लामास है और लामास के बच्चे भी है। वाओ वाओ, सो क्यूट। कोई बात नहीं, अपन चलते हैं। हमको अब एक बनाना पड़ेगा फर्नेस, उसके बाद हमको बनाना पड़ेगा एक ब्लास्ट फर्नेस। तो फर्नेस के लिए तो सबसे पहले अपन कॉबलस्टोन इकट्ठा कर लेते हैं। यार अभी तक तो तुम लोग देख सकते हो मैं कितना प्यूनी, कितना छोटा छोटा चीजें कलेक्ट कर रहा हूँ, और ऐसा लग रहा है कि यार कुछ मेरे हाथ में आ ही नहीं रहा है। जैसे एक कोल तोड़ो तो सिर्फ एक, यार इस वीडियो में, हमारी वीडियो में तुमको लगता है कि सिर्फ अपन एक कोल को तोड़ेंगे और हमको एक मिल रहा है तो ये ओके है, तो ये बिल्कुल ओके नहीं है गाइस। अपने को बहुत सारे कोल मिलने चाहिए यार एक कोल को तोड़ने से। ये एक कोल दे रहा है अपने को, देख क्या गरीब समझ के रखा है यार अपने को। चलो और कोल कलेक्ट कर लेते, लेकिन अभी धीरे धीरे गरीब बन के ही अपन ऊपर पहुंचते हैं। आई थिंक अपन ने इनफ कोल कलेक्ट कर लिया है, और अपन जल्दी से हमारे जितने स्टोन्स हैं उन सबको स्मूथ स्टोन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस भी चालू कर देते हैं। उनको हम एक बार और अगर फर्नेस में डालेंगे तो जो स्टोन हमने अभी स्मेल्ट किया था वो स्मूथ स्टोन बन जाएंगे, और फिर स्मूथ स्टोन से अपन को बना लेंगे एक ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस की रेसिपी ये रही, और हमको थोड़े आयरन भी लगेंगे, तो अपन आयरन ढूंढने के लिए केव के इस पूरे जो माउंटेन है इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो आयरन मिल ही जाएगा। तो चलो पहले अपन आयरन थोड़ा ढूंढ के लाते हैं हमारे ब्लास्ट फर्नेस के लिए। अगर एक्सपोज्ड आयरन मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अरे बाप रे, इतने सारे मॉब्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। अरे मॉब से याद आया, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं अभी तक। मेरा हेल्थ कम हुए जा रहा है, मेरा हंगर कम हो रहा है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, अपन पहले एक आयरन तो ढूंढ ले यार। आयरन नहीं मिल रहा मेरे को यार, इतनी खराब किस्मत। जब भी कोई चैलेंज करने जाओ ना, तो इंपॉर्टेंट जो एसेंशियल चीजें होती है वो शुरू में कभी नहीं मिलती। पता नहीं क्या ही किस्मत है हमारी। ठीक है, एक केव मिल रहा है यहाँ पे, अपन देखते हैं इस केव के अंदर शायद अपने को आयरन मिल जाए, शायद से। चलो केव के अंदर देखते हैं, और घुसते ही साथ अपने को आयरन मिल गया है। चलो टोटल अपने को 5 मिला, हमारे को 5 की जरूरत थी। अपने फर्नेस के बाजू में चलते हैं फिर से, ताकि अपन स्मूथ स्टोन से अब एक ब्लास्ट फर्नेस बना सके। ये रहा हमारा स्मूथ स्टोन, ये वाला एक फर्नेस अपन उठा लेते हैं, और अब बनेगा हमारा ब्लास्ट फर्नेस। गिव मी ब्लास्ट फर्नेस। अरे सबसे पहले तो आयरन को स्मेल्ट करना पड़ेगा ना, उसके बाद तो ब्लास्ट फर्नेस मिलेगा। पहले आयरन तो स्मेल्ट कर लूं मैं। ठीक है लामा, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। ठीक है, आयरन स्मेल्ट हो रहा है। खाने के लिए कुछ नहीं है यार, खाने के इतने तंगे पड़े हुए हैं। फिश नहीं, मच्छी नहीं खाना है अभी, फिश नहीं खाना है। और इसी के साथ हमारे सारे आयरन स्मेल्ट हो चुके हैं, और हम अब बना सकते हैं एक ब्लास्ट फर्नेस। अपन ने बना लिया एक ब्लास्ट फर्नेस, और इसको अब देंगे हम एन्चेंटमेंट। सबसे पहले देखते हैं हमारे एक्स को क्या एन्चेंटमेंट मिलता है। एक्स को मिल चुका है फॉर्च्यून नहीं, और अगर अपने को फॉर्च्यून नहीं पसंद आया तो हम इसको फिर से एन्चेंट कर सकते हैं, और अपन उनको देखते हैं क्या मिलेगा इस बार। सिल टच 1000, ये भी नहीं जी, अपने को शार्पनेस चाहिए या तो अनब्रेकिंग चाहिए, ताकि हम उन दोनों को कंबाइन भी कर सके। अनब्रेकिंग मिल चुका है अपने को। पिकेक्स में देखते हैं क्या मिलने वाला है। फॉर्च्यून, पिकेक्स में फॉर्च्यून मिल गया, और वो पिकेक्स रिपेयर भी हो चुका है। जल्दी से चलते हैं अपन स्टोन के टूल्स बनाने के लिए, स्टोन कलेक्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो भाई पेट पूजा के लिए अपने को कुछ खाने के लिए चाहिए। ये अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अपन उठा ली है, अब चलते हैं कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं सबसे पहले। तो उसके बाद अपन केव में जाएंगे, केव में जाके ढूंढेंगे आयरन, और बनाएंगे हमारे बहुत ज्यादा ओपी एन्चेंटमेंट वाले टूल्स।
यार रात हो चुकी है तो अपन को बाहर रहने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि बाहर भी अपना उतना ही डेंजर है जहाँ पे जितना अपने को, ये देखो तुम देख सकते हो जितना अपने को अंदर डेंजर है उतना ही अपने को बाहर भी डेंजर है, तो बाहर रहने का तो कोई मतलब बनता नहीं है इस टाइम पे। तो एक काम करते हैं, केव के अंदर चलते हैं और जल्दी से अपने आयरन कलेक्ट कर लेते हैं ताकि अपन आयरन के टूल्स बना सके और उसको दे सके अपन ओपी एनचांटमेंट्स। क्रीपर दादा तुम मर जाओ, हमको जिंदा रहने दो ठीक है। और वैसे इसमें फॉर्च्यून है ना, या इसमें फॉर्च्यून है तो अपने को कोल की तो कोई कमी नहीं होगी अपन, क्योंकि तुम देख सकते हो बस थोड़ा थोड़ा सा कोल चाहिए था अपने को, अब थोड़ा सा कोल मिल चुका है। तो जल्दी से अपने ब्लास्ट फर्नेस को यहाँ लगा लेते हैं, ब्लाड मैंने पता नहीं क्या बोला अभी, और अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए लग जाते हैं और जल्दी से और आयरन आयरन भी कलेक्ट कर लेते हैं। तुम लोग सोच रहे हो कि मैं इतना ज़्यादा आयरन क्यों कलेक्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि अपने को एक एनविल बनाना है, और अपन अगर एनविल बना पाएंगे तो हम लोग फिर अपने जो भी इंचांटमेंट्स है, क्योंकि वो एक ही इंचांटमेंट मिलता है एक पिकैक्स से एक ही चीज़ में, तो उसको कंबाइन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम फॉर्च्यून और अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी को एक साथ कंबाइन कर पाएंगे। चलो अब चल के जल्दी से अपना एक आयरन के टूल्स बना लेते हैं अपन, जल्दी से अपन इसको स्मेल्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या मिल रहा है। मेंडिंग नहीं चाहिए अपने को, मेंडिंग बिल्कुल नहीं चाहिए, ना 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 कुछ अच्छा दे। फॉर्च्यून मिल चुका है इसमें, फॉर्च्यून रख लेता हूँ मैं, फॉर्च्यून मेरे काम आएगा और अनब्रेकिंग भी मेरे काम आएगा। और क्या मिल सकता है अपने को, और कुछ ओपी आइटम दे। फॉर्च्यून तो अभी तो दिया भाई तूने, फॉर्च्यून तू भी ना यार, फॉर्च्यून नहीं चाहिए। फाइनली एफिशिएंसी का एन्चांटमेंट मिल चुका है अपने को, जिस एन्चांटमेंट का हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे वो फाइनली मिल गया अपने को एफिशिएंसी। एंड एफिशिएंसी तुम जानते हो अपने को क्यों चाहिए था, क्योंकि हम माइनिंग करना चाहते हैं और वन टू तुम देख सकते हो कैसे बटर के टाइप ये माइन करता है एफिशिएंसी, तो वो भी एफिशिएंसी 1000, छोटा मोटा एफिशिएंसी नहीं है वो। ओके तो आई थिंक मेरे पास इनफ आयरन आ चुका है कि अपन तीन आयरन ब्लॉक बना सके। देखो तीन आयरन ब्लॉक्स बन चुके हमारे, और यहाँ पे हमारे पास इनफ आयरन है कि हम एक एनविल बना सके। एज यू गाइस कैन सी अपन ने एक एनविल बना लिया है, और जल्दी से अब अपने एन्चांटमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं। लेकिन अपने पास लेवल उतना नहीं है, कोई बात नहीं, एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग बस ये दो एन्चांटमेंट ही तो अपने को एक साथ चाहिए थे, लेकिन ये एफिशिएंसी 10 हो चुका है। बट कोई बात नहीं, एफिशिएंसी 10 भी हमारे लिए बहुत है, तो अपन जल्दी से अपन माइंस में चलते हैं एंड होपफुली थोड़े डायमंड्स ढूंढते हैं। ओ माय गॉड, मेरे को लावा आई मीन नॉट लावा डायमंड मिल चुका है। अब इस डायमंड को अपन अपने फॉर्च्यून से जल्दी से कलेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो मैंने गलती से कुछ डायमंड तोड़ दिए, लेकिन देखते हैं कि फॉर्च्यून से अपने को और कितने डायमंड मिल सकते हैं। अरे बाकी सारी चीजों को तो फेंक दो, इन सब का भी कोई काम नहीं है। ओह नो, लगता है अपने को एक और डायमंड का वेन ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने अनब्रेकिंग वाले पिकैक्स से तोड़ दिया डायमंड्स को। कोई बात नहीं, अपन और ढूंढ लेंगे डायमंड्स का वेन। ओके एक डायमंड का वेन मिल चुका है अपने को, इसको कैसे भी करके प्रोटेक्ट करना है। लावा इधर नहीं आना, ओके लावा इधर नहीं आ रहा है, ये है हमारा फॉर्च्यून वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, इससे कलेक्ट करना है एक। ओके एक इनफ था, एक बहुत ज्यादा इनफ था, बहुत ही ज्यादा इनफ था, एक से अपने को मिल गया जितना अपने को चाहिए था। अब अपन सरफेस लेवल पे फिर से जा सकते हैं। तो जैसे कि तुम सब देख सकते हो अपन आ चुके हैं फिर से सरफेस लेवल पे, और अपन यहाँ पे अपने डायमंड्स के सारे टूल्स और डायमंड्स के सारे चेस्ट प्लेट लाइक आर्मर वगैरह सारे बना लेते हैं। ये बना लिया हमने सारे टूल्स। ओ नो 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 नो, मैंने फिर से शिफ्ट क्लिक किया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इस बार मैंने ज्यादा शिफ्ट क्लिक नहीं किया। अपना ब्लास्ट फर्नेस भी यहाँ पे सेट कर देते हैं, और एक क्राफ्टिंग टेबल तो अपना बना हुआ है। चलो जल्दी से अपन डायमंड के लेगिंग्स वगैरह ले लेते हैं। अब एक बूट एरो का अपने को काम आएगा बाद में, क्योंकि अब हमको चाहिए इन्फिनिटी हमारे बो पे। तो चलो जल्दी से अपने आर्मर को अपन एन्चांट करके देखते हैं कि हमको आर्मर के अंदर से क्या मिलने वाला है। प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन अच्छा है, लेकिन हमको थॉर्न्स मिल जाए तो यार मजा ही आ जाए। और एक प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन मिल चुका है अपने को, लेकिन अपने को एक चाहिए थॉर्न्स मिल चुका है अपने को आर्मर में, और इसमें आप कोई प्रोटेक्शन मिल जाए इसमें बस। अनब्रेकिंग नो 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 नॉट अनब्रेकिंग, हमको चाहिए कोई प्रोटेक्शन, हम नहीं जानते भाई, कोई प्रोटेक्शन दो अपने को। अनब्रेक तो हम वैसे भी नहीं होने देंगे, बस हमको एक चाहिए अच्छा सा प्रोटेक्शन वाला। ओके, प्रोटेक्शन मिल चुका है अपने को, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिल गया अपने को। तो इन दोनों का तो अभी अपने को कोई काम नहीं है। अब बूट्स में अच्छे से एन्चांटमेंट डाल देते हैं। फ्रॉस्ट वॉकर नहीं, फ्रॉस्ट वॉकर 1 और 1000 में क्या ही अंतर है। मैं फेदर फॉलिंग ढूंढना चाहता हूँ यार, फेदर फॉलिंग क्यों नहीं मिल रहा अपने को।
मैंने कम से कम 10-15 बार ट्राई कर लिया इसको एनचांट करके, लेकिन अभी तक मेरे को जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो एक काम करते हैं, भाड़ में जा यार, अपने को वीडियो को कंटिन्यू करना है जल्दी से। तो फिर हेलमेट में कुछ एनचांटमेंट ही नहीं मिला, हेलमेट का तो कुछ एनचांटमेंट दे दे। तुम देख सकते हो अब हमारा फुल डायमंड का फायर प्रोटेक्शन 1000, थॉर्न्स 1000, प्रोटेक्शन 1000, प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 1000 का फुल डायमंड का सेट रेडी हो चुका है। अब अपने को थोड़ा वुड चाहिए होगा ताकि हम अपने पूरे डायमंड के टूल्स बना सके ओपी वाले, फॉर एग्जांपल लूटिंग वगैरह हो जिसमें। और अब जब अपन ने बना लिया है तो इसको जल्दी से एन्चांट करके देखते हैं कि इन सब में किस टाइप के हमको एन्चांटमेंट मिल सकते हैं। एफिशिएंसी मिल गया अपने को सबसे पहले ट्राई में ही अपने हमारे डायमंड एक्स में, तो अपने को जल्दी से डायमंड में भी कुछ अच्छा खासा लूटिंग मिल जाए तो यार मजा ही आ जाए अपना डायमंड में। नॉकबैक मिल चुका है अपने को, नॉकबैक की कोई जरूरत नहीं हमें। अगर शार्पनेस 1000 मिल जाए तो भाई मजा ही आ जाए। लूटिंग 1000 मिल चुका है हमको, लेकिन हमको शार्पनेस 1000 भी चाहिए जिसको अपन कंबाइन कर सके हमारे लूटिंग 1000 से, ताकि हमारा डायमंड का सॉर्ड बहुत ही ज्यादा ओपी हो जाए। फाइनली इतने देर ढूंढने के बाद मैं तो कंजा गया था, मेरे को फाइनली शार्पनेस मिल गया इसमें। अब देखते हैं क्या अपन शार्पनेस को, नहीं पूरा लूटिंग चले जाएगा अपना, इसलिए अब शार्पनेस को कंबाइन तो नहीं कर सकते अभी। अब देखते हैं डायमंड पिकैक्स में अपने को क्या मिलता है। मेंडिंग मत देना, मेंडिंग दिया तो चलो, फर्स्ट में ही अपने को एफिशिएंसी मिल चुका है डायमंड के पिकैक्स में, और हमारा आर्मर भी पूरा हो चुका है कंप्लीट, तो इसलिए जल्दी से चलते हैं कहीं और। और अभी शायद मेरे को किसी ने मारने का ट्राई किया और वो खुद मर गया, क्योंकि भाई हम है बहुत ज्यादा ओपी। और अपन अभी जा रहे हैं ढूंढने के लिए एक लावा पूल, हमको लावा पूल चाहिए। अपन जल्दी से जाएंगे अब नेदर में, नेदर से हम लेंगे ब्लेज रॉड। ब्लेज रॉड रहना बहुत ही इजी होने वाला है। तू मारना मारना मेरे को मारना भाई, ये देख लो इसको बेवकूफ, इसको समझ नहीं आ रहा कि मारने से कुछ नहीं होगा। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे से विलेज में। आना आना मार के दिखा भाई तू मेरे को, बेवकूफ आदमी मेरे को मारना चाहता है। ओह हमको जॉम्बीज लोग आयरन देते हैं, ओके ओके ओके। बहुत कम चांसेस होते हैं जॉम्बीज से आयरन मिलने की, लेकिन हमको आयरन मिल चुका है और हमारे खाने का भी जुगाड़ यहाँ पे हो गया है। ओ ये देखो वो रहा हमारा एक एंडरमैन, क्या अगर अपन उस एंडरमैन को देख लिए। ओके ठीक है ठीक है, एंडरमैन आ रहा है, अब तुम देखना भाई। एंडरमैन मार मेरे को एक बार मार, और ये देखो क्या हो गया, ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया। हमारे पास इतने ज्यादा पर्ल्स और अभी तक अपन नेदर में भी नहीं गए हैं। पर्ल्स की भाई लाइन लग गई, हमारे पास पर्ल्स की बिल्कुल कमी नहीं है। खाने का भी अब कोई कमी नहीं होगा अपने को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा ब्रेड आ चुका है। हमारे पास 54 ब्रेड आ चुका है। इस टाइम तक तो मैं भूल ही गया था कि हमने एक ओपी स्ट्रक्चर वाला भी मॉड लगाया हुआ है, क्योंकि अभी तक हम कोई स्ट्रक्चर मिले ही नहीं थे। बट फिर वेट, ये क्या है, क्या वो बेडरॉक है? एक मिनट, क्या ये बेडरॉक है? डायमंड्स, ओ माय गॉड, ये क्या है? वेट, ओके ये क्या है? पिलेजर टावर पे डायमंड का पिलेजर टावर। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई, पिलेजर का डायमंड टावर कहां से आ गया? और वेट, इसमें तो भाई नेदरराइट लगे हुए हैं इसमें। ओ माय गॉड, इसमें नेदरराइट लगा हुआ है। ओ हेलो गाइस, ये क्रॉसबो देके चले गए अपने को, लेकिन ये मर गए। लेकिन ये क्या है, ओ माय गॉड, ये तो भाई डायमंड ही डायमंड और नेदरराइट ही नेदरराइट, भाई इतने सारे नेदरराइट। तुम लोग कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन तुम लोग जरूर मेरे को मार लोगे। कीप ट्राइंग, कभी ना कभी जिंदगी में तुम लोग मार लोगे मेरे को, कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग। ओ माय गॉड, तो हमारे जितने भी स्ट्रक्चर्स होने वाले इस वर्ल्ड में, फॉर एग्जांपल ये पिलेजर टावर और एक डेजर्ट टेंपल, वो सब हमको देने वाले हैं इतने ही ओपी ओपी लूट और ओपी ओपी स्ट्रक्चर्स। जितने भी स्ट्रक्चर होने वाले सब बहुत ज़्यादा ओपी होने वाले हमारे। तो अरे हाँ, हमारे पास तो इतना ज़्यादा मक्खन की तरह टूटता हुआ ऑब्सिडियन है, अब तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है। जल्दी से थोड़ा सा अपन आयरन ढूंढते हैं। हम नीचे गिर चुके हैं, लेकिन हमको फर्क ही नहीं पड़ता भाई, नीचे गिरे या ना गिरे। और देखो साथ में दो लावा पूल मिल चुके हैं अपने को, चलते हैं। लेकिन इसके पहले मेरे को एक और काम करना है, मुझे ढूंढना है एक डेजर्ट टेंपल, क्योंकि डेजर्ट टेंपल बहुत ही स्पेशल है हमारा। ओ ये देखो रूइन पोर्टल भी मिल चुका है अपने को, शायद मेरे को दूर में एक डेजर्ट दिखा। टेंपल है क्या वो, डेजर्ट टेंपल है क्या? या आई थिंक दैट्स अ डेजर्ट टेंपल गाइस। एक मिनट चलो पास जाके देखते हैं यार ये डेजर्ट टेंपल किस टाइप का है। ओ माय
गॉड, ये कैसा डेजर्ट टेम्पल है, इसे तो पूरा आयरन का डेजर्ट टेम्पल है। वाओ मैन, मेरे को आयरन का जरूरत था अभी, क्योंकि मुझे आयरन से क्या बनाना था, मेरे को क्या बनाना था आयरन से, मैं भूल भी गया मुझे क्या बनाना था। कोई बात नहीं, गोल्ड गाइस, गोल्ड इतने सारे मिल गए अपने को, गोल्ड, गोल्ड का तो अभी अपने को कोई काम भी नहीं है, इतने सारे आयरन मिल गए, इतने सारे गोल्ड मिल गए हमको। लेकिन नीचे चल के देखते हैं कि यहाँ के चेस्ट में क्या है। चेस्ट में उतना कुछ खास है नहीं मुझे लगता नहीं। ओ थोड़ा सा आयरन मिल गया, हमारे काम आएगा आयरन। चलो थोड़ा सा आयरन मिल गया अपने को, ये बेन ऑफ आर्थरबार्ट 4, चल इतना घटिया चीज अपन नहीं लेते। चलो जल्दी से अपन ऊपर चलते हैं, हमारे आयरन के ब्लॉक से माइनिंग करके ये देखो इस तरीके से ऊपर जाएंगे अपन। ठीक है, अपन ऊपर आ चुके हैं, अपन थोड़े से ब्लॉक्स ले लेते हैं यार, क्योंकि हमको ब्लॉक्स की थोड़ी कमी और ब्लॉक्स की थोड़ी जरूरत है बहुत। तो ब्लॉक्स दे दो यार मेरे को जल्दी से। ये अपन ने 2 stacks ब्लॉक्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब चलो जब अपने को आयरन मिल चुका है तो थोड़ा सा वुड कलेक्ट कर लेते हैं हम जाके, और चलते हैं सीधा सीधा लावा लेक के अंदर अपना नेदरराइट का पूरा सेट बना के, और भाई करते हैं इस एंडर ड्रैगन की ऐसी की तैसी। चलो ये मिल गया हमको वुड, हमें बस इतना ही वुड चाहिए, हमको इससे ज्यादा वुड की कोई जरूरत नहीं है। डायमंड फेंक देते यार, डायमंड का क्या ही काम है अपने को। चलो जल्दी से एक स्मिथिंग टेबल बना लेते हैं अपन। स्मिथिंग टेबल, ये रहा स्मिथिंग टेबल, हमने बना लिया हमारा स्मिथिंग टेबल, और अपने सारे डायमंड के पीस को अपग्रेड कर लेते हैं। अब हमारे डायमंड के टूल्स को भी पहले इसको मैं नेदरराइट, ओ माय गॉड 64 नेदरराइट इंगोट। चलो जल्दी से हमारे सारे टूल्स को अपग्रेड कर लिया जाए अब, एंड हम हो चुके हैं, पहनना ही भूल गया मैं, नंगा ही पोज कर रहा हूँ। अब हम हो चुके हैं फुल नेदरराइट, फिर से ले दे के हम चैलेंज के लास्ट में फुल नेदरराइट हो ही जाते हैं, यही तो अपना स्टाइल है भाई। चलो अब जल्दी से वो लावा पूल कहाँ था उसको ढूंढते हैं, मैं तो भूल ही गया भाई वो था कहाँ पे। चलो उसको चल के ढूंढा जाए और जाया जाए हमारे नेदर पे। वेट 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 वेट, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं ढूंढू, मैं किसी चीज को मैं ढूंढने जाऊंगा खुद, चल के हट, मेरे पास 30 ऑब्सीडियंस है यार, मैं अभी ना कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ कि मेरे को कहीं जाना पड़ेगा ढूंढने के लिए। चलो जल्दी से ग्रेवल ढूंढते हैं अपन। ओके, ग्रेवल ढूंढने जाना पड़ेगा, इतना भी ज्यादा अमीर नहीं हूँ मैं, लेकिन ग्रेवल तो यूं मिल जाएगा। ये देखो ग्रेवल मिल गया हमको। ओके, मिल गया अपने को फाइनली फ्लिंट मिल चुका है, और ये अपन बना लिए फ्लिंट एंड स्टील, एंड अब हम जाएंगे नेदर में। ओके ओ नो, गलती से गलत प्लेस हो गया यार, अब मैं क्या करूंगा। ओ नो, फिर से गलत प्लेस हो गया, ओ नो, कोई बात नहीं यार। चलो अंदर चलते जल्दी से नेदर में, देखते हैं हमारा नेदर कैसा है, और ब्लेज रॉड ढूंढते हैं, और ब्लेज रॉड ढूंढ के वापस आते हैं हमारे वर्ल्ड में। ए, 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 ये क्या है, लावा वावा कहाँ से गिर रहा है भाई। चलो ऊपर चलते हैं, एंड यू नो बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए हमारे पास कौन से ब्लॉक्स है, आयरन। यस, हम आयरन यूज करने वाले हैं बिल्डिंग ब्लॉक के लिए। ओके, इस टाइप का नेदर है ये यार, ऐसा लगता है मेरे को कि ना ये लोग मेरे साथ गुस्सा नहीं है, तो थोड़ा सा केओस तो बनता है इस रैल्म में। चलो मारो मारो मेरे को, मारो 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 मुझे, मारो 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 मारो, और जल्दी से मरो, मेरे को जाना है, मेरे को फोर्ट्रेस ढूंढना है मेरा। देखो वो फोर्ट्रेस है शायद हमारा। ए बाबा स्लाइम हट, चलो इनसे तो अपने को कोई काम नहीं है, जल्दी से अपने फोर्ट्रेस में चलते हैं कूद फांद के, क्योंकि हमको डैमेज थोड़ी ना होता है, डैमेज थोड़ी ना होता है भाई अपने को। चलो चल के फोर्ट्रेस के अंदर चलते हैं जल्दी से। अरे वाह, एक मिल गया अपने को, स्पॉनर तो नहीं दिखा अभी तक, लेकिन हमको जितने टोटल चाहिए थे ब्लेज रॉड उतने मिल चुके हैं, हमारे पास 64 ब्लेज रॉड आ चुके हैं। यहां से हमको निकलना है अब जल्दी से, ये बन गया हमारा पोर्टल, और हम चल पड़े अपने ओवरवर्ल्ड में। होपफुली रात हो रही हो। एक मिनट, ये कहाँ अंदर अंदर डाल दिया यार मेरे को इसने, लेकिन अंदर आ चुके हैं तो चलो जल्दी से स्केलेटन ढूंढता, अगर अपने को स्केलेटन मिल गया तो मज़ा ही आ जाएगा। मुझे अंदर नहीं रहना है यार, मुझे बाहर जाना है, मुझे आज़ादी, मुझे हवा पसंद है भाई, मेरे को बाहर जाना है, मैं बाहर जा रहा। चलो अपन बाहर आ चुके हैं, जल्दी से अपना ब्लेज पाउडर बना लेते हैं। 64 ब्लेज पाउडर बन चुके हैं अपन, ब्लेज पाउडर तो बन चुका है, अब जल्दी से अपन बना लेते हैं हमारे आईज ऑफ एंडर, कम से कम 48 आईज ऑफ एंडर बना लेते हैं हम, और चल पड़ते हैं हमारे एडवेंचर पे फिर से। ये जाना कहाँ ये तो बता दे भाई मेरे मेरे लाल। अच्छा हमको पीछे जाना है, चलो ठीक है पीछे चलते हैं। ओके ये तो टूटा भी नहीं, इसको लेके चलते हैं ना।
ओके गाइस, तो आई थिंक हम पहुंच चुके हैं हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड पे, क्योंकि तुम देख सकते हो कि हमारा जो आयो फेंडर है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो चलो यहाँ पे स्ट्रेट डाउन पे डिक करना अपन चालू करते हैं, ताकि हम जल्दी से अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ पहुंच सके। और ये आ चुके हम हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, और इस गेट के पीछे ओके ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड। अपने सारे के सारे आयो फेंडर यहाँ पे लगा देते हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड में, और हम आ चुके हैं हमारे एंड में, बहुत ही प्यारा सा एंड। और ये रही हमारी ड्रैगन, और इसको देखते एक मिनट ये क्या हुआ, ओ माय गॉड, आई थिंक उसने मेरे को मारने की कोशिश की, और उसने जैसे मेरे को टच किया मेरे हॉर्न के 1000 ओह माय गॉड, मेरे थॉन्स के 1000 के कारण वो पहले ही मर गए हमसे लड़ने के पहले ही। तो हम फिर से हमारे ड्रैगन को समन करने वाले हैं, क्योंकि ये ड्रैगन बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली मर गई। और वो देखो हमारा पोर्टल भी वहाँ पर रेडी हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ड्रैगन को फिर से समन करेंगे क्रिएटिव में जाके, और फिर से इसकी बैंड बजाएंगे। तुम देख सकते हो ड्रैगन समन होने वाली है, हो जा मेरी जान, हो जा जल्दी समन हो जा, तेरे लिए तो मैं वेट कर रहा हूँ। एंड हो सके ओके, समन हो चुकी है ड्रैगन, लेट्स ट्राई कि अपन ड्रैगन को फिर से समन कर सके। एक काम करते हैं, क्या हम दो ड्रैगन एक साथ समन कर सकते हैं, लेट्स फाइंड आउट। क्या दो ड्रैगन एक साथ समन हो पाएंगे, नहीं दो ड्रैगन तो एक साथ समन नहीं हो पाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से क्रिएटिव मोड से हट के हमारे सर्वाइवल मोड में चलते हैं, और इनका तो अब कोई काम ही नहीं है। तो ठीक है, इनको हटाओ, इनसे कोई मतलब नहीं अपने को। ड्रैगन दीदी मेरे को मारियो मत, तू देख चुकी भाई, तू मेरे को मारती है फालतू में, ऐसी इतने जल्दी तो तू मर जाती है, मारना मत मेरे को बस। ये देखो एक वन हिट उसको पूरा ख़त्म कर दिया। ओके, मैंने गलती से क्रिस्टल पे मार दिया, मैं एम भी नहीं कर रहा था क्रिस्टल को। एंड वन मोर हिट एंड शी इज गॉन। एक ही वीडियो में दो बार इस ड्रैगन को मार दिया अपन ने। ओए क्रिस्टल हट यहाँ से, हमारे पास बहुत सारे एंड क्रिस्टल है। मैं सोच रहा हूँ एक और बार समन करते हैं ना इसको, इतनी जल्दी थोड़ी ना इसको अपन जाने देंगे। तो ये लगा दिया हमने फिर से क्रिस्टल, अब फिर से समन होने वाली है हमारी ड्रैगन, और फिर से होने वाला है उसका मर्डर। तो एक वीडियो में तीन बार हम एक ड्रैगन को मारेंगे, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा ओवर पावर हो चुके हैं। ओए कुछ करेगा, करेगा मेरे को कुछ करेगा, बोलना लड़ेगा मेरे से, लड़ना। चलो ड्रैगन फिर से समन हो रही है, और फिर से ड्रैगन समन हो चुकी है। इस बार तो मेरा टारगेट प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा बाकी चैलेंजेस के लिए इस चैलेंज में ही। चलो ड्रैगन दीदी आ जाओ तुम भी नीचे, और एक और शॉट, बस बस एक और शॉट एंड तुम्हारा काम तमाम खत्म दीदी। और थर्ड टाइम अपन ने ड्रैगन को मार लिया है। चलो अब मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने ड्रैगन को इतने टाइम थर्ड टाइम हमारे वर्ल्ड में मार लिया हमारे ड्रैगन को। चलो यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो तुमको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल पे नए हो तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। एंड मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पीस।